बात नहीं होता है, जितना हमारी सेना हमारे युवक एनसीसी के होते हैं, सेना के होते हैं, जितना योगदान करते हैं राष्ट्र की रक्षा में, सुरक्षा में, बल्कि मैं कहूँगी ऐसे कोई आयाम नहीं होता है जहाँ से हमारी सेना काम नहीं करती है। उसने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो टी वी या चैनल जो भी मीडिया होते हैं आवश्यकता हो, खाना हो, कपड़े हो और कोई आवश्यकता हो, हमारे पास में वहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। तो कल्पतरु संस्थान है, जालौर के जो लोग हैं, सिरोही के जो लोग हैं, वो वहाँ पर लगे हुए हैं, उनका किसी प्रकार की मदद हो तो पूरे पूरा आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक महिला होकर के वहाँ की एक विधायक हैं, बहुत ही साधारण विधायक हैं, आप जैसे एनसीसी जैसे मंचों पर नेताओं के नाम सामान्य रूप से लिए नहीं जाते, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर दूँ कि अमृता मेघवाल जी वहाँ विधायक हैं, और कल रात को मैंने उनका एक वीडियो देखा किसी चैनल पर, मैं चौंक गया, ऐसे नेता भी वहाँ पर हैं। वो गांव-गांव जाकर के और उन्होंने अपने खर्चे पर अपने हिसाब से एक ऐसी प्लानिंग की है, और उस प्लानिंग में उन्होंने विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, एनवाईके और उन लोगों का उपयोग किया है गाँव वालों की सेवा के लिए। आपका कोई भी व्यक्ति कहीं फंसा हो, किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो आप सीधा उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तीसरा निवेदन प्लांटेशन का, जो मैंने बताया आगामी कार्यक्रम किस तरह से होंगे, गार्ड के साथ मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम लोग बिल्कुल उनकी सेवा में, उनके आदेश की पालना में जुटे रहेंगे। मैं आदरणीय प्रभु साहब से निवेदन करूंगा, प्रभु साहब जैसा अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है और ये मुझे एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ग्रीन जयपुर की तरह पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है, प्लांटेशन भी किया है, किस तरीके का कार्यक्रम रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बच्चों को, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजित किया है, और भी जो वृक्ष हैं यहाँ पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि भी इस एरिया को भी, और बच्चे अपने साथ भी पौधे ले जाएंगे और वो भी अपने घर या कॉलोनी में, मोहल्ले में लगाएंगे और उसको सिक्योर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। कितने पौधे लगाए गए हैं सर? आज हमने 5 लगाए हैं, लेकिन और भी तकरीबन और 50 इस एरिया में लगेंगे, और जैसे बच्चों ने अपना रिक्वेस्ट दिया है उसी के हिसाब से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू लेगन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चों तक पहुंचाया जा सके।